वीडियोकॉन, एक नाम जो हर घर में गूंजता था, कैसे एक छोटी सी कंपनी बनी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक जायंट और कैसे रातों रात बर्बाद हो गई ये कंपनी। ये कहानी है उस इंसान की और उस कंपनी की जिसने कैसे दशकों तक अपनी सक्सेस की इमारत खड़ी की और फिर खुद ही उस इमारत की नींव को खोखला करके इस कंपनी को धराशायी कर दिया। मेरा नाम है संकल्प, आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, मिथ सब को तोड़ता हूं और आपके लिए रोचक इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कहानियां भी लेके आता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की और थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिक फील कराता हूं मैं। यानी 1986 में वेणुगोपाल धूत नामक एक इंसान ने एक छोटी सी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था वीडियोकॉन। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ दशक में ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कि इंडिया की कोई ये पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, कई और कंपनियां थी और इंडिया में कुछ विदेशी जायंट जैसे सोनी और फिलिप्स भी मौजूद थे। लेकिन इस कंपनी ने 1990 के अर्ली दशक में अपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से मार्केट में धमाका मचा दिया। 1990 और 2000 का दशक जो था वो वीडियोकॉन के लिए गोल्डन एरा साबित हुआ, क्योंकि टीवी में सक्सेस पाने के बाद वीडियोकॉन ने अपने पंख और फैलाए और इसके बाद इन्होंने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब हर घर में वीडियोकॉन के प्रोडक्ट ज़रूर मिलते थे। अगर आपके घर में भी आपने वीडियोकॉन का कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है उस दौर में तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डिस्कस करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो आखिर क्या राज था वीडियोकॉन की सक्सेस का, चलिए ये जान लेते हैं। इसके मेन दो कारण थे। पहला कारण इनकी अग्रेसिव एक्सपेंशन और कैसे यही कारण आगे इनके लिए उल्टा साबित हुआ, मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो पहला कारण जो इनका था अग्रेसिव एक्सपेंशन, इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपने ही फील्ड में एक्सपेंड किया। टीवी की सक्सेस के बाद वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, R&D टीम, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब कुछ बैठा के इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वीडियोकॉन को ग्रो कराया। और जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी इंडिया तक ही सीमित रहेगी, इंडिया के बाहर भी वीडियोकॉन ने अपना डंका बजवा दिया और 2005 में इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी लाइक थॉमसन और इलेक्ट्रोलक्स को भी अक्वायर करके ये साबित कर दिया कि इंडिया की ये छोटी सी कंपनी वीडियोकॉन नाम की अब इंटरनेशनल लेवल पे अपनी तूती बुलवाने के लिए रेडी है। और इससे सभी लोग के साथ गवर्नमेंट भी खुश थी, क्योंकि ये कंपनी जैसे जैसे विदेश में बढ़ती, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ता और देश को भी फायदा होता। इनका दूसरा जो कारण था वो थी इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, जो किसी कंपनी ने नहीं समझी। हर कंपनी का एक एम होता है कि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, वीडियोकॉन का भी यही एम था, लेकिन इन्होंने कस्टमर के साथ अपने रिटेलर्स का भी ध्यान रखा, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देके अपने प्रोडक्ट्स को रिटेन करवाया उनके स्टोर पे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का भी ध्यान रखा इजी एक्सचेंज और अलग अलग स्कीम पॉलिसीज देके, अपने सुपर स्टॉकिस्ट को भी ध्यान रखा और अपने ट्रांसपोर्टर का भी ध्यान रखा। इन्होंने अपनी सप्लाई चेन में मौजूद हर एक कड़ी को अपने से क्लोज रखा और यही कारण था कि वीडियोकॉन ज़बरदस्त तरीके से बिकी भी नहीं, वीडियोकॉन जबरदस्त तरीके से दिखने भी लगी। वीडियोकॉन रेजोल्यूशन से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। But here's some big breaking news coming in. वीडियोकॉन ओनर, the Bombay High Court on Tuesday confirmed the interim bail granted to former CEO of ICICI Bank, Chanda Kochar, and her husband Deepak in a CBI case last year. पर कहते हैं ना कि जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह हर सवेरे के बाद रात भी आती है। 2010 में पहली बार साइंस ऑफ ट्रबल दिखना स्टार्ट हुआ वीडियोकॉन में। और ऐसा क्यों हुआ? इन्हीं की वही टेक्निक अग्रेसिव एक्सपेंशन की इनके लिए गलत साबित हुई, क्योंकि इस बार इन्होंने डाइवर्सिफाई अपने फील्ड में नहीं बल्कि ऑयल, गैस सेक्टर, रिटेल और DTH में किया था, जो इनके लिए बहुत बड़ा डिजास्ट्रस डिसीजन साबित हुई। बाकी कौन इट्स डाइवेस्टमेंट ड्राइव वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज इन्फॉर्म द एक्सचेंजेस अबाउट इट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ILNFS मामले में कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने दागी ऑडिटर्स के खिलाफ NCLT। 2016 तक कंपनी के कर्जा बढ़ के हो गया 45,000 करोड़ और बैंक लोन ना दे पाने की वजह से और इन्वेस्टमेंट में हुए लॉस की वजह से
इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को खोखला कर दिया। और इसे एक और बड़ा झटका लगा जब इनके ओनर वेणुगोपाल धूत का ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ILNFS स्कैम में। अब ILNFS स्कैम जो था वो देश का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर का स्कैम था। ILNFS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये एक NBFC कंपनी थी जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करती थी। ये कंपनी शुरू से ही बड़ी हाई प्रोफाइल थी और गवर्नमेंट बैक थी, और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इनके इन्वेस्टमेंट होते थे। पर 2018 में सब कुछ बदल गया। ILFS के फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबके सामने आने लगी। लोन्स रीपे नहीं हो रहे थे और डिफॉल्ट की वजह से कंपनी जो है वो बेहद फाइनेंशियल लॉस में चली गई। इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो पता लगा कि इस कंपनी के ही कुछ ऑफिशियल्स ने डूबियस डील की थी, और इन डील्स में नाम आया सबसे ऊपर वेणुगोपाल धूत का। ILFS और वीडियोकॉन के बीच का ये नेक्सस बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल साबित हुआ। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि कैसे वेणुगोपाल धूत ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर ये लोन सिक्योर किए और इन लोन्स को दोबारा कभी रीपे ही नहीं किया। ये लोन्स डिफॉल्ट की लिस्ट में गए और ILFS के डेट क्राइसिस में इन लोन्स ने कंट्रीब्यूट किया। इस स्कैम के कारण सिर्फ ILNFS ही नहीं, लोगों का भरोसा पूरे फाइनेंशियल सेक्टर से उठ गया। बैंक ने रेगुलेशंस को टाइट कर दिया। ILNFS द्वारा फंड जितने बड़े फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स थे वो या तो हॉल्ट हो गए या बिल्कुल ही बंद हो गए। वेणुगोपाल धूत का नाम आने से इन्वेस्टिगेशन में वीडियोकॉन की सेहत पे बहुत बड़ा असर पड़ा, और ऑलरेडी जो कंपनी पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, इस स्कैम ने उसकी रीढ़ तोड़ कर रख दी। ये स्कैम साबित करता है कि कैसे मिसमैनेजमेंट और अनएथिकल प्रैक्टिसेस से एक बनी बनाई वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी को नुकसान हो सकता है, और कैसे ILNFS और वीडियोकॉन के अलावा इन चीज़ों ने, इस स्कैम ने पूरे देश की इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया। अब आपको लग रहा हो कि इतने बड़े स्कैंडल और धोखा खाने के बाद वेणुगोपाल धूत ने अपनी हरकतों से बाज आ गए होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2018 में वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत का स्कैम पकड़ा गया ICICI बैंक के साथ। जी हाँ, ये वही स्कैम है जिसमें ICICI बैंक की XMD और CEO चंदा कोचर और उनके हस्बैंड दीपक कोचर इन्वॉल्व थे। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर 3,250 करोड़ का लोन सैंक्शन किया वीडियोकॉन ग्रुप को, जो कि RBI की गाइडलाइंस और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी दोनों को वायलेट करता था। इसके अगेंस्ट में वेणुगोपाल धूत ने 64 करोड़ की फंडिंग की न्यू पावर रिन्यूएबल्स नाम की कंपनी को, जो दीपक कोचर के मैनेजमेंट के अंदर थी। Here's the top story that we are tracking. This our former CEO of ICICI Bank, Chanda Kochar, and her husband, Videocon owner Venugopal Dhoot, has been arrested. Cricket regulator SEBI has issued a notice to the ICICI Bank in the Videocon loan case. Now, the regulator's notice is based on the information provided by the bank and its MD and CEO on dealings between the bank as well as the Videocon group. CBI ki investigation mein वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर और उनके हस्बैंड तीनों अरेस्ट हुए, और ये स्कैम फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित हुआ वीडियोकॉन ग्रुप के लिए। तो वीडियोकॉन की कहानी वार्निंग थी हम सब के लिए कि कैसे एक मिसमैनेजमेंट की गलती और गलत डिसीजन से सालों से वेल एस्टैब्लिश कंपनी रातों रात धराशायी हो गई। कैसे 15-20 साल लगातार मेहनत करने के बाद, कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के बाद, इन्हीं के ओनर वेणुगोपाल धूत ने उसी सक्सेस को 2-3 साल में रेप्लिकेट करने की कोशिश की, और कैसे सक्सेस का शॉर्टकट ढूंढने में वो कंपनी का नाम और निशान गवा बैठे। आज वीडियोकॉन सिर्फ एक याद बनकर रह गई है हमारे बीच। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते रहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े किसी भी तरह के अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू, मिथ और ऐसी रोचक कहानियाँ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।